नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको ई रिक्शा का पीछे का ब्रेक स्विच रिपेयरिंग करने के लिए बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने एक ई रिक्शा आई हुई है। इसका ब्रेक दाबने के बाद जो पीछे का ब्रेक लाइट जल रहा है, ब्रेक दाबने के बाद ब्रेक लाइट काम नहीं कर रहा है। इसका ब्रेक स्विच जो है वो खराब हो चुका है। देखिए, ये स्विच लगा हुआ है, ब्रेक स्विच यही है। देखिए, ये दबने के बाद ब्रेक लाइट पीछे का नहीं चल रहा है। मैं इसे आपको खोल करके ब्रेक स्विच का रिपेयरिंग करने के लिए बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसे पहले खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने गाड़ी से ई रिक्शा से ये स्विच को खोल लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक बैटरी लेता हूँ, बैटरी से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम ये कर रहा है। देखिए, मैंने पहले से एक बैटरी रखे हुआ है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है और आपको दोस्तों पता होगा ई रिक्शा के ब्रेक स्विच के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई की जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने इस पर आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक लाइट है, मैंने ऑलरेडी कनेक्शन करके रखा हुआ है। यहाँ देखिए, पॉजिटिव को मैंने जोड़ दिया है, नेगेटिव को मैं बाहर रखे हुआ हूँ। इस स्विच में ही इसका कनेक्शन किया करके बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लगा दिया मैंने, इसका मैंने इसमें लगा दिया। देखिए, अब ये स्विच है, आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये स्विच किस तरह से काम करता है। इसका स्प्रिंग था, मैं लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए, जब आप ब्रेक दाबते हैं तो ये पिन जो है, यहाँ देखिए, बाहर खिंचाता है। बाहर खिंचाने के बाद यहाँ देखिए, ये लाइट जलना चाहिए। देख रहे हैं आप, लाइट नहीं जल पा रहा है। अब देख रहे हैं, ये लाइट बिल्कुल सही है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ डायरेक्ट करके। ये देखिए, देख रहे हैं जल रहा है दोस्तों। लेकिन जब हम ब्रेक स्विच खींचते हैं, देखिए ये काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा है दोस्तों। ये ख़राब है, मैं आपको बताता हूँ इसको आपको किस तरह से खोल कर रिपेयरिंग करना है। क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, एक दो महीने की गाड़ी है, लेकिन ये स्विच काम नहीं कर रहा है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, सबसे पहले ये कैप लगा हुआ है, इसको आप इस तरह से दोस्तों निकाल लें। कैप को अच्छी तरह से आप ऊपर कर लें। यहाँ देखिए, देखिए आप देख रहे हो दोस्तों, दो पोल नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, एक कॉलम है, एक ये कॉलम है। ये कॉलम को आपको पुश करेंगे दोस्तों, ये आपको बाहर निकल जाएगा। इसको आप जो है पतला पिचकस के द्वारा इसको इस तरह से आपको इस तरह से दो तरफ से टाल देना है। यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको निकल गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे निकालता हूँ, आप देखिए दोस्तों इसमें क्या रहता है। ये देखिए, एक पिन है, एक स्प्रिंग है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, इस टाइप का ये है बना हुआ है। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपने देखा। और यहाँ देखिए, ये दो पत्ती रहता है, इस तरह से बना रहता है। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, बार बार ब्रेक खींचने पर हुआ क्या है। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ रहता है, ये सीधा हो चुका है। आपको इसको कुछ नहीं करना, इसको आराम से इस तरह से आपको देखिए इस तरीके से आपको बेंड कर देना है थोड़ा सा। बार बार ब्रेक खींचते, ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा हो चुका था दोस्तों, इसीलिए काम नहीं कर रहा था। इस तरीके से आपको इसको एकदम टेढ़ा कर देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से काम करता है। ये जो दो आपस में इस तरह से ऐसे सरता है, देखिए लाइट जल रहा है, इस तरीके से होता है दोस्तों। मैं बता दूँ, ये देखिए, ये पिन है, जब पिन को आप खींचते हैं, ये दोनों पिन को आपस में ये इस तरह से सट जाता है दोस्तों। देखिए, इस तरह सटने पर जलने लगता है दोस्तों। यही पिन इसका, देखिए ये सीधा हो चुका था। देखिए, इस तरह के से आप इसको मोड़ देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं, आपको नहीं बदलना है दोस्तों। आप पहले इस तरह से खोलेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। पहले तो इस पिन को आपको अंदर लगा लेना है। देखिए, मैंने लगा दिया है दोस्तों। मैं एक तार खोल लेता हूँ, दिक्कत हो रही है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको करना। यहाँ देखिए, लॉक बना हुआ है, इस तरीके से आप उसमें लॉक में दोनों तरफ से इस तरीके से आपको दोस्तों कर लेना है। लेकिन थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया दोस्तों, कुछ कम कर देता हूँ।
इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ देखिए इस तरीके से कर लेना है ना। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको इसके अंदर देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ देखिए लॉक बना हुआ है। देखिए इस तरीके से इसको आपको इस तरह से दाब देना है दोस्तों। ये देखिए लॉक हो चुका है। अब मैं आपको इसको स्प्रिंग लगाता हूँ, देखता हूँ ये स्प्रिंग काम कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये खिंचा रहा है, लगाता हूँ। देखिए दोस्तों अब मैं जब इसे खींच रहा हूँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए लाइट काम कर रहा है दोस्तों। जब बाहर की तरह जलता है वापस करने बंद हो रहा है। देखिए उस तरह से मैंने जब खींचा बंद हो रहा है, देख रहे हैं इसने वह जलता है, यानी कि ये आपका ब्रेक स्विच अब बिल्कुल सही हो चुका है दोस्तों। इस तरह का प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो आप इसी तरह से इस स्विच को खोल करके खुद से रिपेयरिंग कर सकते हैं। देखा आपने कितना आसान है, बहुत लोग इसे बदल देते हैं, आपको नहीं बदलना है। इस तरीके से आप खोल कर करके उसका जो पिन है उसको टेढ़ा हो गया हो उसको सीधा कर लेना है। अच्छी तरीके से सेंटर मिला कर इस तरह से लगा देंगे तो आपने देखा दोस्तों कितना आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर इस तरह का ब्रेक स्विच में प्रॉब्लम अगर आपका आता है, लाइट नहीं चलती है, तो आप इसे खोल करके अपने से ब्रेक स्विच का आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।